कसरावत के ग्राम भिलगांव स्थित महिमा फाइबर्स फैक्ट्री के श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर खाना मांगने की बात पर मारपीट, अपने घर नहीं जाने देने और 12 घंटे काम लेने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। कोरोना के चलते एक और जहां कई फैक्ट्रियां बंद है, लेकिन भिलगांव की महिमा फैक्ट्री वर्तमान में चालू है। फैक्ट्री परिसर आवास में लगभग 200 श्रमिक अन्य जिलों से निवास करते हैं, जिनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है। श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक श्रमिकों ने बताया कि वे कैंटीन में खाना खाने गए तो 2 रोटी मांगने पर लोहे के सरिये से मार मिली है, जिससे नाक पर गंभीर चोट आई है, 2 टाके लगाना पड़े। वहीं अन्य श्रमिकों ने बताया कि मार्च माह का आधा पेमेंट कंपनी ने अब तक नहीं दिया है, 12 घंटे काम लिया जा रहा है। यदि किसी श्रमिक की तबीयत खराब रहती है तो वह काम पर नहीं आता तो उसे खाना खाने के टोकन तक भी नहीं दिए जाते। महिला श्रमिकों के साथ महिला वार्डन के साथ द्वारा मारपीट की जाती है। घर जाने की बात करते हैं तो उन्हें उल्टे 2000 रुपये की मांग श्रमिकों से की जाती है। एक तरह से फैक्ट्री में मजदूरों से शोषण किया जा रहा है, वहीं बंधुआ मजदूर जैसे काम लिया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि फैक्ट्री में श्रमिक भाई बहनों का शोषण हो रहा है। कसरा आवास से अखिल खान की रिपोर्ट। जा रही थी तो मार मार के ड्यूटी पे ले जाते हैं। कब की घटना? कब की घटना आपके साथ मारपीट कब हुई थी? ये तो 15-20 दिन। किसने मारपीट करी थी? अंजू मैडम। अंजू मैडम है कौन? कितना पेमेंट बाकी है अभी? एक मतलब मार्च के महीने के पेमेंट आधा डाला है और ड्यूटी करा रहे हैं कि मतलब हम पेमेंट डाल देंगे करके, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं डली है। ये लॉकडाउन होने के बाद में अभी बोले थे कि 2 दिन के बाद में पेमेंट डाल जाएगा करके, तो अभी भी पेमेंट नहीं डली। अच्छा, आप लोग घर जाना चाहते हो तो आपने प्रबंधन से बात करी क्या? जो मतलब जिसका तबीयत सही नहीं है उसको जबरदस्ती ड्यूटी ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती 12 घंटे ड्यूटी करवाया जा रहा है और झगड़ा भी हो रहा है। कंटीन वाले मतलब खाना मांगने पे मार रहे हैं। ये आपको जो हाथ में चोट है ये कहाँ से कैसे लगी? मतलब एक लड़का था मेरे साथ का, वो खाना मांग रहा था, रोटी मांग रहा था, उसने रोटी मतलब मांगने की उसमें मतलब उसने गाली कर दिया तो उसने उसको मार दिया था। उसने 2100 रुपये जमा करेंगे जो घर जाना चाहता है। तो आपने क्या बताया? हमने बताया कि सरकार तो फ्री छोड़ रही है ना जिसको घर जाना चाहते हैं जो लोग। आपने किससे बात करी? तो आपसे पैसे की मांग किसने करी? मैम लोगों ने। कौन से मैडम, नाम बताइए उनका। तो आपने सर को शिकायत करी यहाँ पर? काम थी तो मैं ड्यूटी नहीं जा सकता था, तो मैं एक दिन कूपन के लिए गया कंपनी के अंदर। तो जब कंपनी के अंदर कूपन के लिए गया तो मैं बोला कि सर कूपन काट दीजिए, तो बोले कार्ड ले आइए। मैं कार्ड लेके गया, बोले कि आपने 60 कूपन ले लिया है, अब इसके ऊपर कूपन नहीं मिलेगा, आप ड्यूटी जाओगे तो कूपन आपको मिलेगा, ड्यूटी नहीं जाओगे तो कूपन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जो 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 श्रमिक कंपनी परिसर में रह रहा है यदि वो ड्यूटी जाएगा तो ही उसको मतलब कूपन मिलेगा, यदि वो रूम पे रुकता है तो उसको कूपन नहीं, ऐसी स्थिति में उसको भूखा रहना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।